सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम सत्य के और हमारी नज़र नहीं है इसकी क्या वजह है क्यों हम सत्य को पसंद नहीं करते और उसको आत्मसात नहीं करते उसकी नज़र एक ही चीज से खत्म हो जाए तो बात की जाए पर ये तो दुनिया ऐसी हो गई कि गलत सलत चीज़ों पे ही नजर जा रही सो so इस पर यही कहना है कि ये घोर कलियुग है भयंकर कलियुग है हमने जो लोग देखे वो बहुत निराले थे और आज जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही विक्षिप्त बहुत ही बिगड़े हुए लोग हैं और वो बड़े खुशी से बिगड़े हुए हैं किसी ने उन पर ज़बरदस्ती नहीं की तो अपने देश का जो कुछ हाल हो रहा है उसका कारण यही है कि मनुष्य का नीति से पतन हो गया अब उसके लिए अपने देश में अनेक साधु संतों ने मेहनत की बहुत कुछ कहा समझाया और ख़ासकर भारतवर्षियों की विशेषता यह है कि जो कोई साधु संत बता देते हैं उसको वो बिल्कुल मान लेते हैं उसको किसी तरह से प्रश्न नहीं करते विदेश में ऐसा नहीं विदेश में किसी ने भी कुछ कहा तो उस पर तर्क करने शुरू करते हैं लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की विशेषता है कि कोई अगर साधु संत उनको कोई बात बताए तो उसे वो निर्विवाद मान लेते हैं कि कह गए ये हमें करना चाहिए छोटी सी लेकर बड़ी बात तक हम लोग ऐसा करते हैं ये भारतीय लोगों की विशेषता है और इसी विशेषता को लेकर के आज तक हम लोग ठीक से चल रहे थे पर अब क्या हो गया है कि घोर कलयुग में मनुष्य यह सोचता है कि सत्य नाम की कोई चीज नहीं असत्य ही सब कुछ है जो आदमी असत्य में बैठा है वही पनपता है उसी को सब तरफ से मदद आती है इस तरह की गलत धारणाएं हमारे अंदर इसलिए उत्पन्न हुई कि ये कली का बड़ा ज़बरदस्त जोरदार हमारे पे आधिपत्य है और इसको हम जानते नहीं हैं कि यह कली का आधिपत्य है जो हमें इस तरह से सर्वनाश की ओर ले जा रहा है अपने देश में छोड़िए और देशों में भी मैं देखती हूँ कि इस कली महाराज का इतना वहाँ पर आधिपत्य है इतना उसका राज्य है कि लोग बेवकूफ़ जैसे बिल्कुल बह के चले जा रहे हैं और हिंदुस्तान के लोग वैसे भी सीधे सरल होते हैं और कोई बात उनको बेवकूफ़ी की करा दीजिए तो उनकी ये समझ नहीं आता कि ये चीज़ बेवकूफ़ करा बना रहे हैं जैसे एक छोटी सी आजकल की बात जब मैं आई तो देखा कि प्याज महंगा हो गया अरे भाई अगर प्याज महंगा हो गया तो क्यों महंगा हो गया उसके लिए सरकार बदलने से क्या प्याज आ जाएगा एक सोचने की बात हम लोग कितने बेवकूफ हैं कि हमें कोई भी बेवकूफ बना सकता है क्योंकि इस कली का असर हम पे सबसे ज्यादा है और क्यों है क्योंकि हमारे ही देश में नीति धर्म और आध्यात्म का राज्य रहा सारे दुनिया से परदेश से इतने लोग आते हैं आप तो जानते हैं, आते हैं उसमें से सत्तर फीसदी लोग सिर्फ खोजने आते हैं कि सत्य है। मुझे तो चाइना में आश्चर्य हुआ कि वो लोग कहने लगे कि आपकी जो संपदा है जिसे कि आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी कहते हैं वो तो हमें कहीं दिखाई नहीं दी वो कहाँ गायब हो गई कोई देश में कोई जाता नहीं किसी और देश में कोई जाता है क्या इस संपदा को खोजने वो सिर्फ आप ही के देश में क्यों आते हैं? ये यह संपदा है कहां यह आध्यात्म की संपदा क्यों खत्म हो इसका किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं सब धर्मों में आध्यात्म की ही बात की उसके बाद पंडित हुए कोई मुल्ला हुई और कोई हुए उन्होंने इसका सत्यानाश किया वो दूसरी बात है पर आध्यात्म हरेक हरेक धर्म का गाभा उसके अंदर की जो प्रतिष्ठा है वो है और वो आध्यात्म इस देश में इतना ज़्यादा था इतना अधिक था कि मेरी समझ में नहीं आता कि लोग अभी तक इसकी ओर क्यों नहीं आते आध्यात्म के नाम से लोग पैसे कमाने अमेरिका गए आध्यात्म के नाम से सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए हिंदुस्तान में बहुत है लेकिन अध्यात्म को सच्चाई से पाने के लिए कितने लोग अब यह सोचना चाहिए कि अध्यात्म की हमें क्या ज़रूरत है सबसे पहले मुझे कहना है कि इसकी जो मूलतः जो कुछ भी मूल कहना चाहिए इसी देश में है अध्यात्म सिर्फ इसी देश में असली तौर से पूरी तरह से पनपा और देशों में भी है जैसे कि इस्लाम में है जैसे कि आप कहें तो ईसाई धर्म में है सब धर्मों में है पर जितना मूलतः अपने देश में आध्यात्म का ज्ञान लोगों को है कहीं भी नहीं है और हम लोग अछूते भिकारी हैं हमको मालूम ही नहीं कि हम लोग कितने श्रीमंत हैं हमारे आध्यात्म के दम पर हम क्या क्या कर सकते है? वो सोचने की बात है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस देश का उद्धार तो सिर्फ अध्यात्म से ही होगा और उसके बाद सारे देशों का आध्यात्म होने के बारे में भविष्यवाणी कि जब ये अध्यात्म में उतरेंगे तब ये किस तरह से पनपेंगे अब जो भी आज तक हमने जाना है आध्यात्म के बारे में वही है जो किसी ने बता दिया या बेवकूफ़ बना दिया बेवकूफ़ बनाना पहला कार्य है और उसी तरह से हम कर्मकांडी हो गए उसी तरह से हम कुछ न कुछ करते रहते हैं लेकिन आध्यात्म में जानना चाहिए कि यह अपने भारतवर्ष की संपदा है इसलिए भारतवर्ष की जो संपदा है ये एक विशेष संस्कृति से आई है और यह संस्कृति हजारों वर्षों से हमारे अंदर प्रणित है हजारों वर्षों से मैंने किसी देश में भी इतने संस्कृति नहीं देखे इतने सुसंस्कृत लोग नहीं हमारे यहाँ ऐसी छोटी छोटी बात में भी संस्कृति दिखाई देती है कि अब किसी को अंग्रेजी में कहेंगे आई हेट यू मैंने ऐसी बात क्या हम लोग अपने किसी भी भाषा में कह सकते हैं क्या किसी को क्योंकि किसी से नफरत करना एक महापाप है तो हम थोड़ी कहेंगे कि हम पाप करते हैं पाप पुण्य की भावना इस देश में बहुत गहन है और बनी हुई हम भी हम लोग जागे नहीं बेकार के लोग इस देश में फैले हुए हैं और समाजवादी अरे वो समाजवादी का हाल रशिया में क्या हुआ वहाँ जाके देखो वो आके आपको सिखा रहे हैं नई नई बातें उनकी जैसी दुर्दशा हुई वैसी दुर्दशा यहाँ और कराना चाहते हो क्या इन समाजवादी लोगों ने कभी अपने आध्यात्म की ओर ध्यान दिया है क्या उसको समझा है क्या सिर्फ समाजवाद समाजवाद कहने से कोई आप समाज को सुधार नहीं सकते समाज को सुधारने का एक ही तरीका है इस भारतवर्ष की दशा ठीक करने का एक ही तरीका है वो है हमारे अध्यात्म में, में आप खड़े हो जाइए और आध्यात्म का गाभा इस महाराष्ट्र में कुछ कम महाराष्ट्र में कुछ कम नहीं जो कुछ भी आज आपसे मैं बताने वाली हूँ ये सारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है इसमें यह मतलब नहीं कि हम संकुचित हैं छोटे हैं यह संस्कृति तो हमें प्रगाढ़ एक सागर महासागर के जैसे करते किसी ने कहा कि माँ आप भारतीय संस्कृति पे किताब लिखो ये भगवान मैंने कहा कोई आसान है तो महासात ऐसे ऐसे ग्रंथ ऐसी ऐसी चीज़ें अपने देश में लिखी हुई हैं जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जाता अभी एक मेरे पास मेक्सिको एम्बेसडर आए थे मिलने तो कह लें हमारे मेक्सिको में बड़ी भूत बाधा होती है इतने लोग पीड़ित हैं उससे माँ, उसका कोई इलाज बताऊँ मैंने कहा इस पर मुझे किताब लिखनी होती हमारे देश में सब चीज़ों के बारे में इतना सुस्पष्ट लिखा हुआ है इतना व्यवस्थित लिखा है और बतलाया गया है पर कोई उधर जाता ही नहीं आजकल एक तो ये अंग्रेजी भाषा हमारे पर लाद कर गए अंग्रेज मुझे कहा कि पहले अंग्रेजी में बोले मैंने कहा कम से कम यहाँ तो अंग्रेजी नहीं बोलने अंग्रेजी भाशा को कहूँ अंग्रेजी भाषा कोई भाषा है इस भाषा में तो स्पिरिट कहते अब स्पिरिट माने आत्मा स्पिरिट माने भूत स्पिरिट माने शराब अब बोलिए अरे इस भाषा में कौन बता सकता है इतनी गहन बात इसको तो बहुत गहन लोग चाहिए और वो गहन लोग आप हिंदुस्तानी आप लोग हैं आपकी गहनता जगाओ तब आप समझ जाओगे कि आप क्या है आपको जानना चाहिए कि आप क्या हैं जिस वक्त आप जानिएगा कि आप क्या हैं तभी आप समझ पाइएगा कि आप बहुत महान और आपका देश भी बहुत महान है जिन्होंने हजारों संतों को पैदा किया मोहम्मद साहब ने खुद कहा कि एक लाख चौबीस हजार नबी हो गए वो कहाँ थे वो क्या सब अरबस्तान में हुए उन्होंने जो बात कही वही बात इतने विस्तार पूर्वक इतने समझा करके अपने आध्यात्मिक में कही वो यह है कि हमारे अंदर स्थित जो शक्ति है कुंडलिनी की उसका जागरण करना उसके जागरण से आत्म साक्षात्कार होता है और जब यह आत्म साक्षात्कार हो, होता है तो आत्मा का जो प्रकाश है वो अपने जीवन में हरेक क्षण क्षण में अपना पूरी तरह से मार्गदर्शन करते माने ये कि हम समझते हैं अभी कि झूठ बोलो तो कोई हर्ज नहीं किसी को लूटो तो कोई हर्ज नहीं किसी का पैसा खा लो तो कोई हर्ज नहीं ठीक है कब तक जब तक आप उस चारों तरफ फैजे परमात्मा की परम कृपा से संबंधित नहीं हुए जब आप उस शक्ति से संबंधित हो जाते हैं तब आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकते कितनी बातें हो सकती जिसके बारे में यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं गवाही देंगे लेकिन ये होते हुए भी हम लोगों की उधर नज़र ही नहीं उधर हमारा ध्यान ही नहीं आ इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए महापुण्यों से आप जन्म लेते ऐसे ही नहीं आप भारतीय बने मैं प्रदेश में जाती हूँ तो पहली बात यह कि लोग सोचते हैं कि ये भारतीय और यहाँ से महाचोर जो गए वहाँ पर वो भी इसी बूते पर कमा रहे हैं कि हम भारतीय हैं। सो so अपनी भारतीयता को अंदर जगाना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे देश में कितनी सुंदर व्यवस्था है हम कोई एक विशेष धर्म की बात नहीं करते एक विशेष ग्रुप की बात नहीं संघ की बात है। पर ये बात है हमारे अंदर बसे हुए उस कुंडलिनी की बात जिसके जागरण से आपको आत्म साक्षात्कार होता है और ये आत्म साक्षात्कार होने के बाद जो आपके आत्मा का प्रकाश है वो आपको पूरी तरह से संभालता आपको किसी का भला बुरा सोचने की जरूरत ही नहीं आपको अगर कोई परेशान करे तो उसको परेशान करने वाले बैठे हुए आपसे उनसे कोई मतलब नहीं वो अपना संभालेंगे अब मैं कहूँ कि इसको संभालने वाले शिवजी हैं तो फौरन मुसलमान डंडा लेके मुझे मारने को आएंगे ईसाई कहेंगे आप कैसे कहते हैं और अगर मैं ये कहूँ कि मक्का में मक्केश्वर शिव हैं तो और भी बिगड़ेंगे मेरे ऊपर और सही बात यह है कि मक्का में मक्केश्वर शिव हैं इनसे पूछे कि आप पत्थर क्यों पूछते हो क्यों पत्थर के पीछे चारों तरफ घूमते हो इनसे पूछना चाहिए तो इनको उसका जवाब नहीं इसलिए कि साक्षात शिव का था और शिव जी और मोहम्मद साहब कोई दो दो तीसरे नहीं थे मोहम्मद साहब भी आदि गुरुओं के एक अवतरण थे यह हम कह सकते हैं कि वो उसके अवतरण थे आप चाहे माने या न माने उसका जो पूरी तरह से अगर जानना हो तो जब आपको आत्म साक्षात्कार होता है तो आप देखिए आपके उंगलियों में आपको पता होता है कि किसके कौन से चक्र पकड़े उंगलियों में कोई मशीन नहीं चाहिए कुछ नहीं और मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब कियामा आएगा माने जब आपके ऊपर आशीर्वाद आएगा और आपका परिवर्तन होगा जब कियामा आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे लेकिन अगर मुसलमान दूसरे से चले गए और हिंदू अगर तीसरे रास्ते चले गए और बाकी ईसाई चौथे रास्ते चले गए उसको ये लोग क्या करें इन्होंने तो अध्यात्म की बात की थी और इसी आमा की बात की थी इसी परिवर्तन की बात की थी और हिंदू धर्म में तो हरेक ने कहा था कि ऐसा समय आने वाला पर हम लोग पता नहीं क्यों भूले भटके कहाँ जा रहे हैं और इसको सोचते नहीं और बेकार में झगड़े कर रहे हैं इस झगड़े की कोई जरूरत नहीं है पहले चीज समझ लो कि तुम्हारा धर्म क्या शिवाजी महाराज ने कहा था कि स्वधर्म स्वधर्म को बचाओ यह स्व का धर्म मान्य आत्मा का धर्म है साफ उन्होंने कहा था स्वधर्म को जानना है क्योंकि वो स्वयं साक्षात्कारी थे उनके जीवन के एक एक लक्षण देखिए आप हैरान होंगे वो किस कदर महान व्यक्ति थे इसी तरह से हमारे यहाँ रामदास स्वामी उनके गुरु थे उनसे किसी ने कहा सोलहवीं शताब्दी में कुंडलिनी पर बहुत बातचीत हुई कि भाई ये कुंडलिनी का जागरण कितने देर में होता है तो उनका तत्क्षण। लेकिन लेने वाला चाहिए और देने वाला चाहिए अब अगर कहिए कि जो यहाँ खोमचे लेकर घूम रहे हैं उनको मैं आत्म साक्षात्कार दूंगी तो क्या दे सकते हूँ उसकी गहराई होनी चाहिए वो गहराई पता नहीं कहाँ खो गई हम लोगों के अंदर और जब वो गहराई होती है तो आत्मदर्शन होना कोई कठिन नहीं ऐसा ये कलयुग का विशेष महत्व है जिस वक्त में एक बार ऐसी कहानी है कि कली दमयंती के पति जो थे वो नल उनको मिले तो उन्होंने कहा मैं तेरा सर्वनाश करूंगा क्योंकि तुमने मेरी बीवी से मेरा बिछो किया था तो कली ने कहा कि देखो भाई मेरा तुम नाश जरूर करो पहला मेरा महात्म्य समझो कल तुम्हारा क्या महात्म्य है इस वक्त सब लोग जब तुम राज्य करोगे तो सब भ्रांति में बैठे रहेंगे उनको सबको भ्रांति रहेगी तुम क्या कर सकते तो उन्होंने कहा कि देखो मेरा ऐसा राज्य जरूर होगा भ्रांति होगी पर उसी वक्त गिरी कंदरों में घूमने वाले ये साधु संन्यासी और घर में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग जो कि परमात्मा की खोज में है जो सत्य की खोज में है उनको सत्य प्राप्त होगा उनको आत्म साक्षात्कार मिलेगा और ये युग में ही होने वाला है क्योंकि भ्रांति से घबरा के वो ज़रूर सत्य को खोजे ऐसी जब उन्होंने बात समझा दी उस समझ से नल भी शांत हो गए उनका अच्छा बाबा एक बार कलयुग आने दो अब ये आया है कलयुग और इस कलयुग के प्रताप क्या कहने हमने बचपन में इतने कभी सुने ही नहीं थे जैसे जैसे लोग आजकल आ रहे हैं। और इसी में फिर आप जान सकते हैं कि हमारे देश को बचाना इस देश की महानता को उभारना ये हमारा कर्तव्य तो है कोई बाहर से आके नहीं करेंगे हमको करना है और हम कैसे कर सकते हैं बड़ा सहज सरल तरीका है कि आपकी कुंडलिनी का जागरण कर हो जाए इसी महाराष्ट्र में सोलहवीं शताब्दी में अनेक साधु संतों ने कुंडलिनी पे बात करी थी बात करी थी इतना जरूर कहूँगे और आपके ज्ञानदेव ने तो बारवीं शताब्दी में कहा था पर आदि शंकराचार्य ने तो छठी शताब्दी में कहा और चौदह हज़ार वर्ष पूर्व मार्कंडेय ने। ये जो सब कह गए सब बेकार गए क्या क्या आजकल की जो हम लोगों की प्रवृत्ति हो गई है उस प्रवृत्ति में मनुष्य के दिमाग में बात बैठनी चाहिए कि कुछ न कुछ हमारा गलत रास्ता हो गया उस गलत तरीके की वजह से आज हम ऐसे ठोकरे खा रहे हैं अब गरीबी है अब गरीबी है तो रो रहे हैं अरे लेकिन गरीबी क्यों है क्योंकि तो अपने यहाँ लोगों में हवस हवस पैसा खाते हैं जहाँ जाओ मैं पूना में गई गए माँ वो तो पैसा खाता है कोई बात करो पैसा खाता मैंने कहा खाना वाना खाता नहीं क्या पैसे ही खाते रहता जिसको देखो वो पैसा खाता है और पैसा खाकर अंत में जेल में जाए चाहे उसका सत्यानाश हो उसके बच्चे ही उसको मार डाले इसकी उसको परवाह नहीं बस पैसा पैसा, पैसा। पर ये लक्ष्मी तत्व नहीं है लक्ष्मी का तत्व और होता है और उसके तत्व से अनेक अनेक लोगों का उद्धार हो सकता है उसको जागृत करने के लिए आपके अंदर कुंडलिनी का जागरण होना जरूरी है जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपो आप लक्ष्मी तत्व दिखाई देता है सबसे तो बड़ी बात यह है कि मनुष्य एकदम समाधानी हो जाता उसमें क्या है कोई चीज़ दो हो चाहे चार हो फर्क क्या होना समाधानी होने का मतलब मेरा कभी नहीं कि आप सन्यासी हो के जंगल में जाओ कुछ नहीं घर में रह के उल्टे घर कोई सन्यासी आता है तो लोग कहते हैं कि जाकर आप कपड़े बदल कर के आओ तो वो कहते हैं हमारे पास तो यही छोड़े हमारे गुरु ने और तो कुछ कपड़ा ही नहीं तो हम और क्या बदल के आएंगे सो so, आपको कोई ऐसा बाहर का ढोंग करने की ज़रूरत नहीं कि हम सन्यासी हैं हम साधु बाबा हैं कोई जरूरत नहीं और पागल जैसे गाने और बजाने की भी जरूरत नहीं है जैसे आप जानते हैं लोग रस्ते में गाते बजाते चलते वैसे कोई जरूरत नहीं आपके पूरी तरह चेतना में ही इसको प्राप्त करना पूरी तरह जब आप पूरी चेतना में हैं आपके कॉन्शस माइंड में ही आप इसे प्राप्त करें और इस अनुभव से आप प्लावित हो ये अनुभव सिद्ध है कोई सिर्फ बातचीत नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये इसका अनुभव आपको प्राप्त होना चाहिए हाँ अनु के अनुभव के बाद आपको इसमें बढ़ना चाहिए अनुभव तो हजारों को हो जाता है पर इसमें बहुत कम है जो उतरते हैं मुझे आश्चर्य की बात है इस महाराष्ट्र की भूमि जो कि इतनी पावन भूमि है जगह जगह जहाँ देवी के मंदिर जहाँ जहाँ जाइए वहाँ वहाँ पूजा पाठ मुसलमानों के पीरों की कितनी जगह यहाँ बनी हुई लेकिन यहाँ के लोगों में अभी तक ये धारणा नहीं आई है कि इस पावन भूमि में हम जन्म ने क्यों लिया क्या हमारी विशेषता है क्यों हम इस पवित्र भूमि में आए और यहाँ हमें क्या करना मुझे तो वाकई में बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा काम मैंने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में मैं घूमी फिरी इधर जाओ उधर जाओ पता नहीं सालों तक जंगलों में रहे फिर कहीं जा करके तो किसी छोटे से गांव में रहे हर तरह का काम किया लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों को वही कर्मकांड, उसी कर्मकांड में चार बजे उठेंगे नहा धो करके, जोर जोर से श्लोक बोलेंगे कुछ बोलेंगे कुछ कुछ कर्मकांड चाहिए और उनकी समझ में नहीं आता कि कुंडलिनी का जागरण कोई कर्म कांड नहीं वो लोग कहते हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे हमारी आप कुंडलिनी जागृत करो यह अंधश्रद्धा वाले मैंने कहा भैया वो कुंडलिनी को क्या मालूम है रुपया पैसा और तुम अगर ऐसा उसका अपमान करोगे तो वो कभी उठेगी नहीं अकल के मारे हुए लोग हैं दूसरी कोई बात नहीं वो समझते नहीं कुंडलिनी चीज़ क्या कुंडलिनी का मतलब है कि आपके अंदर जो सुप्तावस्था में एक शक्ति है उसका जागरण हो करके वो छह चक्रों को छेदती हुई और ये ब्रह्म इसको भी छेदती हुई और इस चारों तरफ फैली हुई ब्रह्म शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर और आपके अंदर से ये ब्रह्म शक्ति दौड़ने लगती कि आम आ गया इतनी सहज चीज है सहज सह माने आपके साथ पैदा हुआ यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप इसे प्राप्त करें लेकिन आप अछूते हैं आपके पास टाइम नहीं आपके पास कोई ये नहीं वजह नहीं है हम तो बड़े सुखी हैं फिर जब कोई बीमारी आएगी तो आएंगे दौड़े हुए जब कोई तकलीफ़ आएगी तो आएंगे दौड़े हुए पर जब आप स्वस्थ हैं तभी ही स्वस्थ माने जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ हो स्व माने आत्मा इसमें जो स्थित है वही हो सकता सबसे तो बात यह है कि कितने ही बार मैंने आप लोगों को समझाया कि सहयोग में उतरना चाहिए सहयोग में उतरना चाहिए आपको प्राप्त करना चाहिए आपकी विशेषता है महाराष्ट्र की विशेषता है महाराष्ट्र बने बैठे हैं किस चीज़ से आप महाराष्ट्र के हैं ये भी सोच लीजिए क्यों आपको महाराष्ट्र कहा जाता है आज इतने शहरों में मैं घूमती हूँ और इतने देशों में मैं घूमती हूँ आपके बारे में लोग न जाने कितनी कितनी कविताएं है बनाते हैं पर यहाँ आ के फिर अधोमुख होकर बैठ जाते हैं कि बाबा रे बाबा यही क्या माँ मैं बता रही थी यही वो महाराष्ट्रीय नायक है माने इतनी संपदा होते हुए भी जैसे कोई छोटे से तालाब में अनेक कमल निकल आए इस तरह से इतने बड़े बड़े लोग यहाँ हो गए पर यहाँ की पब्लिक जो है अभी कीड़े मकोड़े ही बने रहेगी मैं माँ हूँ मुझे कहना ही पड़ेगा हमारे इतने बड़े कार्य के पीछे में आपको हैरानी होगी रशिया के लोग ऑस्ट्रिया के लोग कहाँ कहाँ के अमेरिका के लोग और ये लोग सारे कार्यान्वित हैं ये हिंदुस्तानी नहीं है सब प्रदेशी जैसा हम कहते हैं पर अभी हम ही लोग परदेसी हो गए और इस बम्बई शहर में तो दुनिया भर के लोग आके बसे बजाय इसके कि यहां से इसकी संपदा सारे दुनिया में फैलाएं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं सब पैसा बना रहे हैं पैसा बना रहे हैं पैसा बना रहे, हैं, पैसा बना रहे हैं। इस पैसे का करोगे क्या इसकी क्या वक्त है? आज बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनको कौन पूछता है उनको कौन है? पर एक सहयोगी अगर कहीं हो जाए तो दुनिया उसके तरफ दौड़ती है क्योंकि वो जानकार आदमी है उसको कुंडलिनी के जागरण की कला आती वो फिर हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो सिख हो कोई हो पर वो जानता है कि इस आदमी की कुंडलिनी कैसे जागृत करनी चाहिए वो जो तो हैरानी होती कि बाहर के लोग अभी आए थे तो एक लड़का था उसकी शादी एक लड़की से हमने कराया उस लड़की को मैंने देखा नहीं था बोला उसने आके कहा माँ ये लड़की के जो जी जो चैतन्य लहरियाँ हैं वाइब्रेशंस हैं वो ठीक नहीं आप इसे एक बार देखिए मैंने कहा अच्छा मैंने कहा एक अंग्रेज़ अंग्रेज ये बात मुझे बता रहा है और किसी के ध्यान में ये बात नहीं आई उसके बाद उस लड़की को जब देखा तो मैंने कहा बिल्कुल सच बात इसकी चैतन्य लहरियाँ ठीक नहीं फिर उसका क्या प्रॉब्लम था समझ में आया सब कुछ देखा पर एक अंग्रेज आ करके और अब आपका अध्यात्म सिखाए ये अपनी दशा नहीं चाहिए ऐसे तो उन्होंने राजकारण बहुत सिखाया बहुत परेशान कर दिया पर अब वो आ करके आपको अध्यात्म सिखाए इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी तरह अपनी और नज़र हो और आप देखें mm -hmm.